25 अगस्त को न्यूज 18 पर आने वाले डेली शो 100 बात की एक बात में एक बड़ी मजेदार बात हुई। एंकर किशोर अजवानी ने इमरान खान के नेतृत्व में चल रही पाकिस्तान सरकार की नाकामी दिखाते हुए चैनल के दर्शकों के सामने एक वीडियो रखा। इस वीडियो में एक शख्स एक बिल्डिंग की छत से पानी में कूदता हुआ दिख रहा है। किशोर अजवानी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की नाकामी दिखाने के लिए उसने ऐसा किया। इसके साथ ही अजवानी ने यह भी बताया कि कराची में बारिश के बाद कमर से ऊपर पानी भरा हुआ है और संकरी गलियों और सड़कों ने स्विमिंग पूल की शक्ल ले ली है। इस दौरान स्क्रीन पर चल रहे टिकर में लिखकर आ रहा था, पाकिस्तान सरकार की खुली पोल। इस वीडियो की असलियत ही इस पूरे वाक्य को मजेदार बनाती है। यह वीडियो पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है, मध्य प्रदेश के इंदौर का। ट्विटर यूजर शाहनवाज अंसारी ने ट्वीट करके बताया कि यह वीडियो उनके जानने वाले शख्स का है और वो इंदौर के हैं। ऑल्ट न्यूज ने शाहनवाज अंसारी से बात की। उनके जरिए हमारी बात जफर से हुई। ये जफर वही हैं जो कि इस वीडियो में पानी में कूदते हुए दिख रहे हैं। जफर को आसपास के लोग भूरा भाई के नाम से जानते हैं। जफर उर्फ भूरा भाई ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि वीडियो में वही हैं जो पानी में कूद रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पानी में एक बच्चे को बचाने के लिए कूदे थे, लेकिन जब तक वो पहुंचते उसे बचाया जा चुका था। हमें ये बताने के लिए कि जो वो कह रहे हैं एकदम सही है, जफर ने एक बार फिर उसी जगह से छलांग लगाई और उसका वीडियो बनाकर हमें भेजा। ये घटना असल में सिकंदराबाद कॉलोनी की है और इस वीडियो में एक मस्जिद की मीनार दिखती है। हमने जफर की बातों की तस्दीक करने के लिए न्यूज 18 पर चल रहे वीडियो और जफर के भेजे वीडियो को कंपेयर किया तो मालूम पड़ा कि दोनों ही वीडियोस में मीनार मौजूद है। गूगल मैप पर जब हमने चेक किया तो वाकई सिकंदराबाद कॉलोनी से बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद मौजूद मिली। ये बात सच है कि बीते दिनों कराची में भयानक बारिश के कारण शहर में भारी जलभराव हुआ है, लेकिन ये वीडियो कराची का नहीं बल्कि इंदौर का है, जहां एक इलाका सिरपुर झील में बढ़े पानी के लेवल के कारण जलमग्न स्थिति में पहुंच गया था और इसी पानी में फंसे एक बच्चे को बचाने के लिए जफर या भूरा भाई कूद पड़े, जिनके वीडियो को 25 अगस्त के न्यूज 18 के शो 100 बात की एक बात में सिर्फ कराची का ही नहीं बताया गया बल्कि इसके दम पर पाकिस्तान की सरकार की पोल खुलने सरीखी बातें भी की गईं।